में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13। टोटल मैंने ऑलरेडी आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिया है जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारी प्रैक्टिस सेट को आप देखकर जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। बाकी प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर वो आ रही होगी, लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम लोग पूरा जीएस आपका मैथ और रीजनिंग को छोड़कर पूरा आपका सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। टोटल मैं आपको इस भी प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो फिर भाई बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और उसके एक्सप्लेनेशन को देता हूं, ठीक है। बिना अच्छा एक काम करिए, अपनी वीडियो की स्पीड को 2x कर लीजिए ताकि आपका समय और भी बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है। तो जो पौधा होता है, ये पौधा है भूमि से जल तथा खनिज लवण जो है वो कैसे प्राप्त करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भूमि से प्राप्त कर रहा है तो नीचे क्या होती है, जड़ होती है। तो जड़ से ही आपका जो पौधा होता है वो जल और खनिज लवण को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब तने का क्या काम होता है, तो चलो तने का बता देता हूं। तो तना क्या करता है, जड़ों द्वारा, मतलब जड़ों, ये जैसे तना है तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को यहाँ पर जो पत्तियां लगी होती हैं पत्तियों तक पहुंचाता है। ऐसे समझो जैसे यहां से यहां तक गया तने की मदद से, और इसके ऊपर किससे जाएगा, पत्तियों तक जाएगा। और पत्तियां फिर क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप क्या कर देंगी, भोजन बना देंगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ गए होगे, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये मान लो पौधा है तो ये क्या करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है, ठीक है। फिर तना क्या करता है, यहाँ जड़ से आपका खनिज लवण और कह सकते हो कि जल को अवशोषित करता है तना, और फिर तना क्या करता है, पत्तियों को पहुंचा देता है, ठीक है। और पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 41 का जल आपका करेक्ट होगा, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो 42 देखते हैं, ये अभिकथन वाले हैं, इनको देख लेते हैं क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति क्या है, प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ऐसा एकदम नहीं हो सकता भाई, कोई नेचुरल प्रोसेस से आप पेट्रोलियम वगैरह नहीं बना सकते, ये बात एकदम गलत है। अगला क्या कह रहा है, रीजन, मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। जी हाँ बिल्कुल बात एकदम सही है, क्योंकि ये जो आपको ये पेट्रोलियम या फिर कोयला, ये सब जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, ये बनने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, तो हम उस चीज़ को प्रयोगशाला में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, लाखों वर्षों तक जब ये भारी दबाव तक दबे रहते हैं क्या मृत जीव वगैरह, तो गर्मी में जीवित पदार्थ जो होते हैं वो अपघटन करते हैं, जिसके कारण आपका ये कोयला और प्राकृतिक गैस ये सब बनता है, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन देख लो, मतलब हमारा ए वाला गलत है और आर वाला सही है, जो भी सही हो। तो ऑप्शन नंबर फोर देखो, तो क्या कह रहा है, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। तो 42 का आपका फोर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 43 देखते हैं, 43 ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है 43 क्वेश्चन। चलिए कह रहा है, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है, तो उसकी गतिक ऊर्जा, मतलब किसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी। अच्छा संवेग दोनों को क्या कर दिया है, समान कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हो फिजिक्स के माध्यम से लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बस इतना आप सिंपल दिमाग में बैठाए रहिएगा, जो हल्की वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा अधिक होती है। तो इसमें से हल्की वस्तु कौन है, हल्की यही है, एक हल्की और एक भारी है, तो हल्की वाले की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 43 का फर्स्ट, ठीक है, हल्की की गतिज ऊर्जा अधिक होगी अगर दोनों का संवेग क्या है, समान है। बाकी संवेग का जो फार्मूला होता है उससे भी आप निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m करके होता है, बट अभी मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर फिजिक्स आपको अगर बताने लगूंगा तो समझ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है, है ना, मतलब बैक्टीरियल डिजीज से आपसे पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरियल डिजीज जिसमें टा वगैरह जाते ज्यादा आता है वो आपका बैक्टीरियल होता है, पंडित का टिकानी हो, ये करके मैं ट्रिक भी बताया हूँ, नहीं देखो तो बताना, मैं लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो टा वाले में छह देखो मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं छह रोग या फिर छह रोग हो जाएगा, तो छह में आपका क्या आ जाएगा, टीबी वगैरह है। और इसके अलावा जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अलावा में देखो हैजा भी आपका किससे है, जीवाणु से जनित रोग है। और आपका टाइफाइड मैंने बताया ना, जिसमें टा वगैरह जाते आता है। और आपका छह रोग मैंने बता ही दिया। टिटनेस भी आपका किससे होता है, जीवाणु जनित होता है। और प्लेग भी आपका क्या है, जीवाणु जनित। तो पंडित का टिकानियों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, टा से आपका मैंने बता दिया, का है ना, निमोनिया, ये सब आपका किससे है, जीवाणु जनित रोग है। तो समझ गए होंगे, छह रोग भी आप समझ चुके हो, यहाँ पर छह दिया हो तो छह हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपको 45। तो 45 आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा। अच्छा एक चीज़ और, डेंगू वगैरह भी दिया है, ये भी पूछा जाता है, तो चलो यहाँ बता देते हैं। डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो होता है ना,
इसके भी ट्रिक है, ऐ चाचा इन्हें डांटू खरे गाल पे छापू, तो डांटू में डा जा रहा है ना तो डेंगू हो जाएगा, और इन्हें इन्हें में क्या जाएगा इन्फ्लुएंजा, तो ये दोनों आपका विषाणु जनित है, ठीक है ना, विषाणु जनित बीमारियां हैं। और आपका और क्या बचा, मलेरिया, मलेरिया जो होता है ये आपका किससे होता है, तो मादा एनाफिलीज के काटने से आपका क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज के। तो सारे ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। चलिए 45 देखते हैं, 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है, तो पृथ्वी का कौन सा गुण है जो भाई जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो गोलाकार रचना ये तो है नहीं, अक्ष पर घूमना ये केवल परिक्रमण होता नहीं है, तो परिक्रमण तथा तिरछा जो अक्ष होता है ये आपका जलवायु परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो 365 दिन का होता है, तथा परिक्रमण जो होता है वो आपका 365 दिन का होता है, ठीक है, और परिभ्रमण जो होता है, परिभ्रमण जो होता है ये भूलिएगा नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, परिभ्रमण जो होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है, क्लियर है, तो 24 घंटे में परिभ्रमण होता है और ये होता है परिक्रमण, ठीक है। अब पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण, परिभ्रमण के कारण ही आपका क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है, 24 घंटे में जब ये रोटेट करती है ऐसे करके, तो दिन और रात किसके कारण होता है, परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है, और जो जलवायु परिवर्तन हो परिक्रमण और तिरछा, ठीक है। तो 45 का 4 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो भाई 46 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही कमेंट करके बताना, 46 आ जाओ, ये कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको ऊपर वाले में एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, पत्तियों में क्या होता है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जड़ से क्या करते हैं वो पोषक तत्व को ऊपर लेते हैं, ठीक है, मतलब जड़ों से खनिज लवण वगैरह ऊपर लिए जाते हैं पौधे में, और तने क्या करते हैं ये जो जड़ होता है वहां से अपने खनिज लवण को लेते हैं और उसके ऊपर पत्तियों में भेज देते हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो 46 का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दूं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक क्रिया है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें CO2 क्या करते हैं ग्रहण करते हैं और जल तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं मुक्त करते हैं, जल और ऑक्सीजन को क्या करते हैं मुक्त करते हैं, कौन, पौधे, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, 47 लिखने पे मत जाना भाई आप, अगर अच्छा एक चीज बताइए क्या लिख जो मैं रहा हूँ उसमें दिक्कत हो रही है, क्या मैं और अच्छे से लिखा करूँ, है ना, तो फिर जो पेन है उसको मुझे थोड़ा महंगा मंगाना पड़ेगा, अभी काम चलाओ चल रहा है, अगर आपको जरूरत लगे तो कमेंट करना, ठीक है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, बोल मैं एकदम सही रहूँगा, ठीक है, ज़्यादातर केस में, ठीक है, 100% तो हो नहीं सकता, बरा चलिए क्या कह रहा है, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये ऑलरेडी किसी ना किसी प्रैक्टिस में मैंने बताया है, बाघ जो अपना आपका क्षेत्र होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो अपने मूत्र की गंध सूंघकर, ये सीटेट में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो अपने मूत्र की गंध को सूंघकर जो बाघ होते हैं वो अपने क्षेत्र को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाघ से रिलेटेड याद आई कुछ बातें तो बता देता हूँ, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, बोलिएगा नहीं। अच्छा, और एक चीज पूछा जाता है, बाघ की जो दहाड़ है वो कितने किलोमीटर से सुनी जा सकती है, तो बाघ की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, और एक चीज बता दूं कि जो भारत, जैसे बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बाघ जो है आपका भारत बांग्लादेश मलेशिया साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, बाघ जो है वो किसका राष्ट्रीय पशु है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे बाघ तो एक भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया, ठीक है, चलिए मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ, बाघ जो है वो किसका राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु एक तो भारत हो जाएगा आपका, भारत है, और किसका है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश का है, और मलेशिया का है, मलेशिया का भी है, और साउथ कोरिया का भी है, और आपका बस इतने का ही आपका बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए 48 पे आ जाओ, 48 क्या कह रहा है, 48 ध्यान से देखते हैं, अभी कथन वाला है, कोई दिक्कत नहीं, रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्यों नहीं पहनने चाहिए अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके पिघलने वगैरह के जारे कारण होते हैं, ठीक है, तो पहला तो सही है, पॉलिस्टर से बने कपड़े में आग लग जाते हैं, हाँ देखो एकदम सही बात है, तो बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है, तो दोनों बातें सही है, और आर जो है वो सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं ये रीजन और इसमें दोनों बातें लिखी ही हुई हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 49, टीबी फिर क्षय रोग जिसकी बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है भाई आपका ऊपर, क्षय रोग का कारक है, पहले ही मैंने बता दिया किससे, जीवाणु, टीबी भी क्षय रोग या टीबी जिसको बोलते हैं ये आपका क्या होता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन पता नहीं कि मुझे लग रहा आएगा। अच्छा, इसका जो जीवाणु होता है टीबी रोग का वो क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस करके होता है, ये आपका क्यूलोसिस होता है नामक जीवाणु से फैलता है आपका टीबी, ठीक है ना। ओके, तो बस यही इसमें बताने वाला था, और चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं, तो खनिज और विटामिन जो होते हैं वो आपके किससे प्राप्त होते हैं, तो सब्जी और फलों से आपके खनिज और विटामिन जो है वो प्राप्त होते हैं। अब कौन सी सब्जी में, चलो बता देते हैं, खनिज और विटामिन सब्जियों जैसे आपका कह सकते हो पालक,
ठीक है, पालक में, और किस में, गोभी में, ठीक है, और किस में, चुकंदर में, ठीक है, ये सब जो सब्जियां हैं। तथा फल अगर बता दूं तो फल में आप देखो गाजर, ठीक है, गाजर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है, और आपका संतरा, अनानास, इन सब में आपको क्या विटामिन वगैरह मिलता रहता है, खनिज और विटामिन, ठीक है ना, समझ गए होगे। चलिए तो 50 का आपका ये हो गया, 51 चलो देखते हैं। 51 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 51 कह रहा है जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि में किया जाता है क्योंकि उनकी मदद से। तो बताओ भाई, जीवाणुओं का उपयोग कृषि की मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्यों ऐसा क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि इसका जो मेन रीजन है वो है आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। किसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, यही रीजन है कि जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको बातें भी बता सकता हूँ, लेकिन खास कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, बस इतना ही जानिए, बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बन नहीं रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके 51 हो गया, चलो 52 देख लेते हैं। 52 चलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो भारतीय संविधान जो है ये पूछा जा रहा है कितने भागों में विभाजित है, तो आपका 22 भाग है। कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, 22 भाग हैं, पहली चीज। दूसरा, भारतीय संविधान के मूल रूप में है ना, मूल रूप से 22 भाग, ये तो मैंने बता ही दिया 22 भाग हैं, मूल रूप से बात कर रहा हूँ, मूल रूप से आपके 22 भाग, और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी, ठीक है, 9 अनुसूचियां थी जब मूल संविधान आपका बना था, ठीक है ना। चलिए अब वर्तमान में अगर जो बात किया जाए तो आपकी अनुसूचियां कितनी हो गई हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो पहले कितना था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 9 अनुसूचियां, प्रेजेंट में आपकी अनुसूचियां 12 हो गई हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 53 कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो श्रीनगर की जो स्थापना किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था आपका अशोक ने, जिसे प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, इसने अपने अपने लोगों में लगवाया था, ठीक है। और एक चीज यहां से बनता है, मुगल शासक जहांगीर जो था, है ना, मुगल शासक जहांगीर जो था, ध्यान से समझिएगा, वो श्रीनगर में, जहांगीर ने श्रीनगर में कुछ बनवाया था, क्या बनवाया था, शालीमार बाग बनवाया था, क्या बनवाया था, शालीमार बाग जो है वो बनवाया था जहांगीर ने, कहां पर, श्रीनगर में, ठीक है। और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे आपका स्थित है, ठीक है। चलो भाई 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक होता है भाई। तो राज्यसभा एक आपका अस्थाई सदन होता है, भूलिएगा नहीं, राज्यसभा आपका अस्थाई सदन होता है, ठीक है, और जो कभी भंग नहीं होता है। इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या है, सदस्य की जो संख्या होती है वो 250 होती है, आई थिंक ये जानकर अच्छा लगा होगा आपको। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। 3-4 बात मैंने बताया, इनमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 250 होती है, अस्थाई सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है और 6 वर्षों के लिए होता है सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो भाई अगला कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर अपनी राजधानी बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, लाहौर में, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, और कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाया था, ठीक है, शुरुआत में। और उसके बाद फिर इसका जो वो कराया था, मतलब आगे के जो काम कराया था कुतुब मीनार का, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक तूफान में कोई एक इमारत टूट गई थी तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तीन लोग कुतुब मीनार से रिलेटेड है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिर फिरोज, ठीक है ना। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजनीतिक वंश गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश का संस्थापक भी यही था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, तो इतनी बातें मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड बता दिया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक सबको पता होगा, ठीक है। और संसद का गठन, मतलब संसद अगर जो बनाना है तो संसद किससे किससे मिलकर बना होगा, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस आपका राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलाकर ही संसद बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो 57 सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है, ठीक है, मोस्ट शाइनिंग आपका प्लैनेट पूछा जा रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है भाई, तो सबसे चमकीला ग्रह जो आपका है वो आपका है शुक्र है, कौन है भाई, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना। और शुक्र को ही आपका साँझ या भोर का तारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साँझ या भोर तारा बोला जाता है, ठीक है, भोर का तारा कहा जाता है। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई
उपग्रह जो है वो नहीं है, ठीक है ना। ये बातें मैंने शुक्र से रिलेटेड बता दिया। चलो भाई अगला क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है यूएनओ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। यूएनओ का अगर जो पूरा नाम पूछा जाए तो यूएनओ का जो पूरा नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। चलो भाई अच्छा एक चीज और जान लो, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो अंग जो है आपको कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बातें मैंने बताया था दी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से, क्लियर हो गया होगा। चलो 59 क्या कह रहा है, अशोक के शिलालेख पहली बार पहचानने और पढ़ने समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद का क्या नाम था। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पहचाना और समझा था, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप नाम मत बोलिएगा। अच्छा और अशोक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अशोक जो था वो आपका मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था, ठीक है। पहला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, बिंदुसार आया, और बिंदुसार के बाद कौन आया था, अशोक आया था, ठीक है। तो तीसरा था, ठीक है। इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, उसमें 33 शिलालेख थे, ठीक है। बहुत सारे अभिलेख शिलालेख और मतलब कई सारे गुफा लेख जिसे कहते हैं, 33 शिलालेख इसने लिखवाया था, ठीक है ना। तो इतनी बात दिमाग में रखे रहिएगा। और शिलालेख जो थे वो मगधी आपके प्राकृतिक ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, तो इसके जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लिखे गए थे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बस यही बातें थी इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। चलो 60 देखते हैं क्या कह रहा है। 60 है आपका, ये 60 कह रहा है तकनीकी का अर्थ है केवल बड़ी मशीनों और औजार। तो तकनीकी का अर्थ है केवल मशीन और बड़े औजार, ऐसी बात तो नहीं है भाई, इसके अलावा भी तकनीक का बहुत सारा यूज है। केवल वैसे भी लग गया तो केवल में तो 95% वो गलत ही होता है, तो वैसे भी ये गलत ही हो जाएगा। दूसरा पढ़ो क्या कह रहा है यह केवल, फिर केवल लग गया, यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ा है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों आपके गलत हैं, तो दोनों अगर गलत हैं तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए भाई अब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 61 पे आ जाओ। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है। तो आपका सरिस्का तो स्थित है राजस्थान में ही, और आपका सांभर वन जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है, और रणथंभौर भी आपका राजस्थान में है। केवल राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पर है, हाँ ये आपका राजस्थान में नहीं है। तो दो तीन बातें रिपीट कर लो, सरिस्का आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है, सांभर कहाँ है, राजस्थान में है, और रणथंभौर भी आपका कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है ना। अच्छा राजा जी कहाँ पर है, तो राजा जी आपका जो राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ अभयारण्य भी है, कौन, राजा जी, ठीक है। ये कहाँ पर है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका राजा जी जो है वो हिमालय की तलहटी के पास उत्तराखंड में कह सकते हो, ठीक है, उत्तराखंड में आपका जो है वो स्थित है, कौन, राजा जी, ठीक है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला क्या कह रहा है, 62 देखो, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, तो बताओ भाई कौन शांति का प्रतीक है, है ना, तो कबूतर, जा जा जा, है ना, संदेश वगैरह लेके जाता था, तो शांति का प्रतीक है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है आपका कोलम बिडे, COLUMBIDAE, कोलम बिडे जो है इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, कबूतर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 63 देखो, 63 देखिए क्या कह रहा है, 63 पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य द्वारा अंतः श्वावित वायु केवल ऑक्सीजन होता है, द्वारा अंतः श्वावित वायु में केवल ऑक्सीजन, केवल लग गया तो भाई गलती होना है। मनुष्य द्वारा उच्छ्वासित वायु केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाँ हम निकालते तो पक्का है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये बात नहीं, केवल यहां भी है, और खाली हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हैं भाई, ठीक है। तो फिर करते क्या है, तो चलो मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। तो वायुमंडल में चलो बताओ कितनी गैसेज होती हैं, कल बताया था नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78% होता है, और आपका उसके बाद फिर ऑक्सीजन आपका 20 point something, लेकिन 21 ले लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03 होता है, और आपका जलवाष्प वगैरह कितना होता है, तो 0.5%। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में देखो इतनी गैसेज मैंने बताया, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम इनमें जितनी भी गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से समान मिश्रण अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, CO2 भी थोड़ा बहुत लेते हैं, ठीक है। तो समान मिश्रण को हम इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, तो इस हिसाब से पहला वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा की, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रतिशत बदल जाता है, ठीक है। तो मतलब कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो इन मतलब जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों होता है, लेकिन प्रतिशत दोनों का क्या होता है, बदल जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता होगा निकालते समय, और ऑक्सीजन जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते समय ज्यादा होता होगा और ऑक्सीजन कम हो जाता होगा, ठीक है। तो आई थिंक पूरी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
और मैं बता दूं इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बात, तो देखो अंदर ली गई हवा में 21% आपका क्या होता है ऑक्सीजन होता है, और जब अंदर लेते हैं ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है ठीक है, जबकि जब हम हवा में सांस लेते हैं ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझ गया ना इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आप सिंपल सा देख सकते हैं दोनों ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसेस होती हैं उनका समान मिक्सचर में हम सांस लेते हैं ठीक। चलो नीरज चोपड़ा काफी फेमस पर्सनालिटी, ये पूछा जा रहा है इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये तो भाई आप समझ सकते हो इनको कौन नहीं जानता, भाला फेंक, भाला फेंक से है आपका नीरज चोपड़ा ठीक है ना। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक में, कब ओलंपिक, इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक था 21 में हुआ था, में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था ठीक है ना। तो 7 अगस्त 2021 भूलिएगा नहीं, भाला दिवस भी मनाया जाता है इसी वजह से 7 अगस्त को ठीक है। तो 64 का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पसीना बहुत हो रहा है, फैन अभी और फिर ऑन कर दूंगा तो आवाज़ दिक्कत होगी। अगला कह रहा भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को आपका भारत का संविधान को लागू किया गया था या अपनाया गया था ठीक है। चलिए तो 65 का आपका इसमें क्या बताएं, 65 का आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो 66 पे आ जाओ, 66 क्या कह रहा है चलो देख लेते हैं भाई, 66 ये रहा, 66 है आपका गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, क्यों भाई, गर्म जो हवा होती है वो ठंडी की अपेक्षा हल्की होती है, क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा मेन रीजन है क्योंकि वह फैलती है, गर्म हवा जो होगी वो क्या होगी फैलेगी, बात तो सही है, वह फैलेगी तो ज़्यादा स्थान भी घेरेगी, बिल्कुल सही बात है उसका, नहीं भाई घनत्व तो ज़्यादा नहीं होता है किसका, गर्म हवा का ठीक है। तो गर्म हवा ठंडी की अपेक्षा अधिक फैलती है, अब सॉरी गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा जो हल्की होती है उसका मेन रीजन है क्योंकि वह फैलती है गर्म हवा और ज़्यादा स्थान घेरती है ठीक है। तो दो ऑप्शन सही है, तो उस हिसाब से ए और बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाता है, कौन सा है भाई, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं, तो एक ही प्रक्रिया है जिसमें जल को छोड़ा जाता है वो है आपका, नहीं छोड़ा तो कहीं में जाता है लेकिन ये जो प्रक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में आपका जल को अवशोषित करते हैं, एक मिनट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं, तो छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है आपका वाष्पोत्सर्जन होता है ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा वाष्पोत्सर्जन को और एक्सप्लेन कर दूं, तो वाष्पोत्सर्जन यही है प्रक्रिया, मतलब इसमें जल जो होता है वो अवशोषित जल को पौधों द्वारा छोड़ा जाता है, और कैसे, पौधों में जो रोम छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, इसी के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से लगातार ये प्रक्रिया होती है ठीक है ना, किसकी, कौन सी, वाष्पोत्सर्जन की ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 60, कौन सा था भाई 67, चलो 68 देखते हैं, 68 क्या कह रहा है, 68 ये रहा आपका, क्या कह रहा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति, तो यही आपके पीठासीन अधिकारी हो जाएंगे ठीक है ना, क्लियर, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। 69 देखो क्या कह रहा है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है, तो मसाला उद्यान एक ही राज्य होगा जहां पर सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो आपका केरल होगा ठीक है। केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले आपके पाए जाते हैं, ये मसाले विश्व भर में आपके क्या हैं, लोकप्रिय हैं ठीक है ना। और मसालों का यहाँ पर भी अगर जो मुख्य स्थान पूछा जाए तो इडुक्की है एक स्थान, और अगर जो दूसरा कहा जाए मसालों का, वायनाड है ना, वायनाड जो है ये दोनों जगह बहुत फेमस है मसालों के लिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केल्विन इकाई का संबंध किससे है, तो केल्विन में भाई हम किसका टेम्परेचर ही मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा केल्विन में ठीक है ना, यह एक एसआई मात्रक है, केल्विन जो होता है वो आपका एसआई मात्रक होता है ठीक है। इसे विलियम थॉमसन और वैरन केल्विन ने विकसित किया था, तो केल्विन को किसने डिस्कवर किया था, तो थॉमसन, ये पूछा तो नहीं जाएगा बट जान लीजिए, और दूसरा वैरन केल्विन और थॉमसन ने विकसित किया था ये केल्विन को ठीक है, केल्विन यूनिट को। चलिए 71 पे आ जाओ, 71 आपसे कह रहा है, अच्छा ये बता दिया ना, हाँ थर्ड वाला सही है, अब 71 पे आ जाओ, कह रहा है तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो तंजौर जो चित्रकला है वो किस राज्य से आपसे पूछा जा रहा है, तो तंजौर चित्रकला आपका तमिलनाडु से क्या है संबंधित है ठीक है। यह चोलों द्वारा मतलब विकसित किया गया था, चोल शासकों द्वारा आपका जो है ये तंजौर चित्रकला को विकसित किया गया था ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सेंट पीटर चर्च कहाँ पर है, तो सेंट पीटर चर्च जो पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो ये वेटिकन में है, कहाँ पर है, वेटिकन में है, वेटिकन सिटी, ये सबसे आप कह सकते हो छोटा देश है कौन सा, वेटिकन सिटी ठीक है, वहीं पर आपका सेंट पीटर चर्च है ठीक है ना। चलिए 72 हो गया, 72 का आपका थर्ड, 73 देखो क्या कह रहा है भाई, 73 कह रहा है भारतीय
डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय डाक सेवा जो है वो वारिंग हेस्टिंग ने 1776 में शुरू किया था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया के तहत। तो भारतीय डाक सेवा किसके शासनकाल में हुआ था कह सकते हो, कौन था उस समय? तो वो था वारेन हेस्टिंग, और कब किया गया था? 1766 में, ठीक है ना। इसे शुरुआत में कंपनी मेल के नाम से, ये डाक सेवा को किस नाम से जाना जाता था? तो कंपनी मेल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बाद में आपका लॉर्ड डलहौजी ने, पहले स्टार्ट कौन से किया था? हेस्टिंग ने किया था। बाद में 1854 में डलहौजी ने 1854 में इसमें संशोधन किया था, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानो डाक सेवा वारेन आपका हेस्टिंग 1776, बोलिएगा नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 74 क्या कह रहा है? मिस्र में स्फिनिक्स बनाने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई हैं? मिस्र में स्फिनिक्स बनाने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई हैं? तो भाई जो चट्टान, हाँ स्फिनिक्स, यही तो इसकी खासियत है कि इसमें केवल एक चट्टान का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मिस्र में आपका स्फिनिक्स बनाने के लिए केवल एक चट्टान का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, स्फिनिक्स जो है विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जो लगभग आपका मान के चलो कि 73 मीटर लंबी है और आपकी 20 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो 73 मीटर लंबी और 20 मीटर क्या है? ऊंची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये नहीं इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, बस ये जानो स्फिनिक्स केवल एक से बनाया गया है, ठीक है ना। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2022 की जो थीम थी, ये भी जान लो, 2022 की जो थीम थी वो थी आपकी, थीम क्या विषय कह लो, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्या था? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये आपका विषय था किसका? विश्व स्वास्थ्य दिवस का, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है, इनमें से 76 आपका पूछा जा रहा है। अच्छा ये क्लियर हो गया ना भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को, ठीक है। 76, विश्व निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? तो बताओ भाई, फल नहीं है, अनानास तो फल होता है, ये नहीं होगा, और संतरा भी आपका फल होता है तो ये भी नहीं होगा, स्ट्रॉबेरी भी फल ही है, केला जो होता है एक तरीके की जड़ी बूटी है। तो 70, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, जानते रहिए, केला फल नहीं बल्कि क्या है? जड़ी बूटी है, ठीक है, पौधे का पेड़ नहीं है, ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, केले के पौधे में कोई लकड़ी का तना नहीं होता है, ठीक है, तना जो है ये नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, 77 क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कह दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था, ठीक है ना। तो अभी बस इतना जानो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। और इनका जो, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, कब से कब तक किया है? तो 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। कौन? आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो 77 हो गया, चलो 78 आ जाओ, 78 रहा आपका ये। इनमें से पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करना है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, चलो छोटा कर दिया मैंने। देखो भाई, निम्नलिखित में से कथन को पढ़ें और सही उत्तर बताना है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, हमारे मुँह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी और गर्म होगी। बिल्कुल बात एकदम तो सही लग रही है मुझे, ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि जो हमारे मुंह से हवा निकली हुई हवा होगी वो बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी, और डिपेंड करेगा बाहर का तापमान है कैसा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो बात एकदम सही है। आप ऐसा देखते भी होंगे ठंडी के दिनों में क्या होता है कि हमारे मुंह से निकलने वाला गर्म हवा और वातावरण में ठंडी हवा के कारण धुआं जो मतलब मुंह से क्या करता है, फॉग वगैरह निकलने लगता है। तो ये तो एकदम बात एकदम सही है, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ज़्यादा, ये देखो एकदम ऐसा नहीं है भाई कि वो ठंडी या गर्म होगी, कन्फर्म नहीं है, वो बाहर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। अगला, ज़्यादा ये भी नहीं होगा उस हिसाब से, अभी ये भी नहीं होगा, बराबर होगा ऐसा भी नहीं होगा। तो 78 का आपका पहला वाला खाली करेक्ट हो जाएगा कि गर्म या ठंडी होगी, ठीक है। तो 78 का फर्स्ट, 79 चलो देख लेते हैं, 79 क्या कह रहा है, 79 है आपका, भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? तो बताओ भाई, केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री जो है वो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है। चलिए 80 देख लेते हैं, 80 क्या कह रहा है, नेत्रावली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली आपसे वन जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, गोवा में है, ठीक है। तो नेत्रावली वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में, बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेत्रावली एक नदी भी है, तो नेत्रावली जुआरी जो नदी है वो एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है ना। लेकिन चलिए अभी बस इतना ही जानिए कि नेत्रावली वन जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका गोवा में, बोलिएगा नहीं भाई।
चलिए 81 पे आ जाओ। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यों में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है, तो बताओ भाई किस राज्य की आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी है, तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, कब बनाई गई थी, तो 1967 में नागालैंड की विधानसभा ने नागालैंड को आधिकारिक भाषा में आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय अंग्रेजों की घोषणा की। ठीक है ना, तो 1967 में किया गया था आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नागालैंड में। ठीक है, चलो अगला अगला क्या कह रहा है, 82 पढ़िए भाई, 82 है आपका, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बताओ भाई हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये आपका हो जाएगा गोल्फ से, किससे संबंधित है, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, बस ऐसे ही दिमाग में बैठा रहो, ज्यादा तो इससे फैक्ट वगैरह पूछा नहीं जाएगा। 83 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई और लंबाई में अनुपात आपसे अगर जो पूछा जा रहा है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ये आपका पहला तो होगा नहीं, 3:2 होगा, है ना, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है ये आपका 3:2 हो जाएगा, बोलना नहीं है। ठीक है, नहीं यार उल्टा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई आपका होना चाहिए यहाँ पर, हाँ 3:2 तो होता है लेकिन लंबाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, तो लेंथ और ब्रेथ आप कह लो, तो यहाँ पर लंबाई और इसको यहाँ कर दो यहाँ, तब आपका 3:2 हो जाएगा। तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है। ठीक है, या तो इस ऑप्शन यहाँ पर देना था इसको 2:3, तो बस यही जान लो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ठीक है ब्रेथ, ठीक बोलिएगा नहीं भाई, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बता देता हूँ, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 22 जुलाई 1947 बोलिएगा नहीं, नेक्स्ट 83 हो गया ना, 84 पे आ जाओ, 84 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि वे तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं, क्या करते हैं ये ग्रेफाइट जो होता है वो तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 82 का आपका 2 हो जाएगा, 84 का 2, 85 आ जाओ भाई, 85 प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया, तो मोनालिसा जो है वो किसने बनाया था भाई, तो लियोनार्डो दा विंची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंची ने आपका मोनालिसा को बनाया था। ठीक है, यह एक रहस्यमयी मुस्कान वाली युवती का चित्र है ना, रहस्यमयी मुस्कान वाली ये जो आपका मोनालिसा है, या मतलब कह सकते हो सस्पेंस में एक लेडी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 85 हो गया, 86 देखते हैं, 86 आपका ये रहा, चलो भाई देख लो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, बताओ भाई ये भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं रिपीट करा चुका हूँ, तो वाद्य यंत्र जो सूखी लौकी से बनाया जाता है, तो बीन बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ढोल तो नहीं बनाया जाता भाई, खंजरी बनाया जाता है और तुम्बा बनाया जाता है, ढोल आपका कहाँ सूखी लौकी से बनाया जाएगा, तो उस हिसाब से ए सी डी सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, तो 86 का ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, तो सूखी लौकी से बनाने वाला दिमाग में बैठा रहना भाई, सूखी लौकी से क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ठीक है, क्या है चलो बता देता हूँ फिर से, सूखी लौकी से बनाने वाले आपके हो जाएंगे बीन हो जाएंगे, और खंजरी हो जाएगा, और तुम्बा हो जाएगा, भूलना नहीं है भाई, बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा रही है। ठीक, 86 का 3rd, ओके नेक्स्ट 87 क्या कह रहा है, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम बताओ, ये भी आपका कहीं ना कहीं पूछा जा गया है, सीटर से ही रिलेटेड है, हमिंग बर्ड जो होता है वो आपका एकमात्र पक्षी है जो पीछे उड़ने वाला होता है। ठीक है ना, भूलना नहीं है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, तथा एकमात्र सबसे छोटा पक्षी भी क्या है, हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा पक्षी आपका क्या है, हमिंग बर्ड है, और जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट 88 जामा मस्जिद, ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, जामा मस्जिद आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण आपका किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, पता ही होगा सबको ही। ठीक है ना, 1664 और 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है ना, काफी समय लगा था, मतलब स्टार्ट जो हुआ था वो 1644 से लेकर काफी समय लगा था, 1656 के बीच में आपका जामा मस्जिद बनवाया गया था, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। चलिए 89 आ जाओ, निम्नलिखित में से जलस्तर के लगातार घटाने बढ़ने को क्या कहते हैं, तो ज्वारभाटा भाई कहते हैं, है ना, ज्वार कहते हैं लगातार घटने बढ़ने को क्या कहते हैं, हाँ ज्वारभाटा ही बोला जाता है इसको भाई, समुद्री जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, और ऊपर उठकर पीछे घटने को भाटा बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा, और सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी की सतह पर डाला गया जो मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है वो ज्वारभाटे का कारण बनता है। ठीक है, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, यही आपका ज्वारभाटा का कारण बनता है। ठीक, चलो 90 देखते हैं क्या,
नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय आपसे ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो नवीकरणीय कोयला तो होगा नहीं, खत्म हो जाएगा, खत्म है कहानी, और आपका गैसोलिन भी नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, हवा, हवा जो होगा ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है ना। तो 90 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो प्राकृतिक, आप कह सकते हो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा होंगी, तो हवा आपकी है जो प्राकृतिक से उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट 91, चलो देखते हैं। 91 है आपका, कौन सा कोशिकांग श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है, कौन सा कोशिकांग जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो ये माइटोकांड्रिया जो होता है आपका श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, भूलना नहीं भाई, श्वसन की क्रिया में कौन भाग लेता है, तो माइटोकांड्रिया श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। इसे कोशिकाओं का शक्तिगृह भी कहते हैं, किसे, माइटोकांड्रिया को शक्तिगृह भी कहा जाता है, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जिन जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने और कुतरने का कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, तो बताओ लगातार बढ़ेंगे इसी वजह से वो कुतरते रहते, कौन है भाई, गिलहरी ऐसा काम करती है, ठीक है ना, चूहे वगैरह भी करते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसा ना करें, मतलब जो कुतरने वाला काम ना करें, तो उनके दांत बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए उन्हें कुतरना पड़ता है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, डीजल क्या है, डीजल क्या है भाई, तो डीजल जो है आपका वो है क्या बात कर रहे हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा, है ना, अज्वलनशील होने जलता है, ये सब होगा नहीं, तो आपका डीजल जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 93 हो गया, चलो भाई 94 देखते हैं। 94 क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल इनपुट आप दे रहे हो और आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा काम तो भाई कौन करेगा, ऐसा काम आपका मैकेनिकल, हाँ डायनेमो ही करेगा, क्योंकि आप देखो डायनेमो जो होता है वो, जैसे डायनेमो आप देखोगे साइकिल वगैरह में जो लगा होता है, मोटरसाइकिल में, हम गाड़ी जब हमारी चलती है तो मैकेनिकल इनपुट मैं दिया उसको और फिर बल्ब जो है वो जलने लगता है, तो ये किस वजह से होता है, डायनेमो की वजह से होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डायनेमो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका 94 का 2, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं, और मोटर जो होता है, चलिए बता ही देते हैं, आ ही गया अगर, जो मोटर जो होता है, मोटर मोटर में हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं पहले, तो विद्युत ऊर्जा देते हैं, है ना, इनपुट क्या करते हैं, विद्युत, और ये किस में बदल जाता है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है ना, तो विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है, मोटर, ठीक है ना। चलिए ये बातें समझ गए, और विद्युत को और यांत्रिक को विद्युत में कौन, डायनेमो, ये बता दिया, उल्टा इसका जस्ट होगा। अच्छा इसके बाद जो आता है आपका वोल्टमीटर, वोल्टमीटर समझ लो, वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है, तो वोल्टमीटर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मीजर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अमीटर है, अमीटर से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को मेजर किया जाता है, विद्युत धारा को, ठीक है, तो धारा को, और इसमें क्या है, वोल्टेज को, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 95 किस भाग से हल्दी प्राप्त किया, हद कर दिया आपने, मैं कई बार बताया हूँ, ये हद कर दिया आप में आपका तना वाला पार्ट आ जाता है, तो तना आपका क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, हाँ में आपका आ ही जाता है, ट्रिक वाली वीडियो भाई जरूर देख लो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है। तना वाला और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे हद कर दिया आपने में सारे आ जाते हैं, हद कर दी आपने में, अब जिसमें आलू आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, और प्याज आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, तने का पार्ट है, ठीक। तो 95, अब आ जाओ 96, लगभग खत्म होने की कैटेगरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 96 क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश बना होता है, तो श्वेत प्रकाश जो बना होता है वो आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश, ठीक है ना। इंद्रधनुष में यही 7 रंग पाए जाते हैं, पढ़े भी होगे आप वाइब जियोर के नाम से, वाइब जियोर के नाम से पढ़े होगे, बैनी या पिनाला हिंदी वाले कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका श्वेत प्रकाश हो गया, ठीक। चलो 96 हो गया, अब 97 में आ जाओ। 97 क्या कह रहा है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है, तो जो फसलें हम गर्मी में लगाते हैं उनको हम कौन सी फसल कहते हैं, तो आपकी गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है गर्म फसल, या फिर हाँ जायद फसल बोलते हैं, या फिर गर्म फसल भी कहते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या है, जैसे तरबूज, खरबूज और खीरा, ककड़ी, ये सब आपकी क्या हो जाती हैं, जायद की फसल हो जाती है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल होती है, बोलना नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 98 पे आ जाओ। 98 क्या कह रहा है, प्रकाश का ताप, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है। सन जो है वो प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब ये भी मैंने बताया था, सूर्य एक क्या है, तारा है, जो वायुमंडल या ब्रह्मांड में, ऐसा वायुमंडल नहीं, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, सूर्य। और ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, मतलब सूर्य जो ऊर्जा देता है वो क्या है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया का है, ये पूछा जाता है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऐसे करके 3-4, तो संलयन अभिक्रिया है, ठीक है, बोलना नहीं भाई। 99 पे आ जाओ। नेत्रहीन बच्चों के लिए लिपि के द्वारा, मतलब नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं वो कौन सी लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल लिपि करते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने किया था, किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कितने बिंदु होते हैं, ये कई बार पूछा गया भाई, कितने बिंदु होते हैं, उभरे हुए ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं, वो कितने होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, ठीक है ना, आयताकार में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपका 100 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है गुल मेहंदी के फूल से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है, तो गुल मेहंदी के फूल से आपका नारंगी रंग जो है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका गुल मेहंदी नारंगी, भूलिएगा नहीं, गुल मेहंदी नारंगी, ठीक। चलो 101 आप समझ लो, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो भाई 7 से कम होता है, तो 7 से कम यही है, 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ तो ठीक है, अम्लीय विलयन 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, और उदासीन जो विलयन होगा उसका जो पीएच मान होगा वो उदासीन का कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ये हो जाएगा उदासीन, ठीक है ना, आप कह सकते हो क्षार, ठीक है। अच्छा, ये जो पीएच वैल्यू है वो आपका कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो आपका जो पीएच मान है वो 1 से लेकर 14 तक बढ़ता है, और बीच में क्या होता है, 7 होता है, इससे कम अम्ल, इससे ज़्यादा क्षार, इस पर क्या, उदासीन, ठीक है। इसकी जो खोज किया था पीएच के मान का, इसका खोज किया था सोरेनसन ने, किसने किया था, सोरेनसन ने, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक, आई थिंक पूरी बात समझ पाए होगी। 102 चलो देख लो, 102 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, तो बताओ भाई किस, हरित लवक में, किस कोशिकांग में होती है, हरित लवक, क्लोरोफिल, है ना, तो ये सब तो होने से नहीं रहे, तो आपको क्लोरोफिल या फिर आप कह सकते हो कि हरित लवक में, ठीक है। नेक्स्ट 103 क्या कह रहा है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो बताओ भाई ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो आपका टक्कर के कारण भी होती है, सामान के गिरने के कारण भी होती है, कंपन के भी कारण होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होने के ये सारे कारण हैं, तो सब आपका हो जाएगा, ठीक है। 103 104 चलो देख लो भाई, सांप वगैरह से है क्या, हाँ चलिए, तो सब पता ही होगा भाई, हांगकांग सांप से रिलेटेड हो जाएगा, कहाँ सांप खाते हैं वहाँ के लोग, मुझे और माँ को खाना, सांप खाना बहुत पसंद है, जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हून फेन खाते हैं, क्या भाई लिंग हून फेन खाते हैं, हम लोग किस स्थान में रहने वाले, तो भाई हांगकांग के लोग ही ये काम करते हैं, ठीक है, ये वहाँ का ये जो लिंग हून फेन जो है ये हांगकांग का आप कह सकते हो लोकप्रिय भोजन है, व्यंजन है, ठीक है। 105 आ जाओ, 105 क्या कह रहा है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किसकी आदमकद मूर्ति लगी है, अच्छा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगी हुई है, तो तेंजिंग नॉर्वे की लगी हुई है, तेंजिंग नॉर्वे की आपकी मूर्ति लगी हुई है, किसमें, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो फिर कौन सा सही हो जाएगा, चलो भाई 105 देख लेते हैं, जो भी ऑप्शन हो, 105 तेंजिंग नॉर्वे, हाँ यही देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो 105 का तीसरा, ठीक। तो तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी ने एक साथ माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो एक तो तेंजिंग नॉर्वे हो जाए, और दूसरे कौन थे, एडमंड हिलेरी, ये दो लोग थे जो एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कदम को रखे थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके एक चित्रकार थे, और चित्रकार थे तो ये कौन सा चित्र बनाते थे भाई, तो ये आपका था, हाँ चित्रकार थे, सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने वाले के लिए, तो सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए आपका ये चिंचालकर जो भी इनका नाम है विष्णु चिंचालकर जो थे, तो विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए फेमस थे, ठीक है। ये कहां के रहने वाले थे, तो ये मध्य प्रदेश, आप कह सकते हो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए बोलना नहीं भाई इसको, 106 हो गया, चलो 107 पे आ जाओ, 107 क्या कह रहा है, चुंबक को गर्म करने से क्या होगा, उसका चुंबकत्व तो जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, ठीक है। तो यही है, रगड़ने से कह सकते हो, पीटने से, गर्म करने से, सबका क्या होता है, चुंबकत्व तो जो है वो घट जाता है, ठीक है। ये चुंबक जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये चुंबक जो होता है किससे किससे बनकर बना होता है, तो आयरन कोबाल्ट और निकिल से मिलकर आपका ये चुंबक जो होता है वो बना होता है। 107 का ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक, बताइए दी 107 का दूसरा। 108 आ जाओ, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो कई बार बता चुका हूँ यार, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, ठीक है, 108 का दूसरा, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन ए का, वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौधि रोग होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। चलो 108 का आपका दूसरा सही हो गया, 109 आ जाओ, 109 क्या कह रहा है, पाइन से कौन सा कार्य होता है, तो पाइन से कौन सा कार्य होता है, सिंचाई का जो कार्य होता है वो पाइन से होता है, नहर, पाइन, पोखर तथा कुआं आज से क्या होता है, तो पाइन ध्यान रखिएगा, पाइन भी याद करिए, और आपका नहर भी, और पोखर और कुआं, ये सब किस काम में आते हैं, सिंचाई के काम में आते हैं, ठीक है, ये सभी सिंचाई के परंपरागत आप कह सकते हो साधन है। 110, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भाई कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, है ना, अगर जो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी से आरबीसी की कमी हो जाएगी, और रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया, है ना, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और आरबीसी से आप कह सकते हो लोहे की कमी हो जाएगी रक्त में, और उससे एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है, जिससे एनीमिया को बोलते हैं अरक्तता, अरक्तता भी कहा जाता है, ठीक है।
ये ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है, ठीक है, रीज़न आपको पता भी होगा। 110 का कौन सा सही हो जाएगा, एनीमिया। 111, देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो देव सूर्य मंदिर आपका औरंगाबाद में स्थित है, तो देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद या फिर बिहार, बिहार में आपका ये देव सूर्य मंदिर है स्थित, ठीक है। चलिए अगला 112, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो बताओ भाई, याद करने वाली चीज़ है, बिहार विधानसभा में टोटल कितने आपके सदस्य हैं, तो 243 सदस्य हैं, ठीक है। विधानसभा या फिर निम्न सदन के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, 5 वर्षों के अंतराल पर विधानसभा के जो आपके सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। बहरहाल बिहार में कुल कितने हैं, तो 243, ठीक है, बोलना नहीं है। 113 पे आ जाओ, 113 किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्वे माउंट एवरेस्ट पर विजय, अभी बताया ही हूँ कि कब ये, मतलब ये दोनों लोग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किए थे, मतलब फतेह किए थे, और ये किस वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1953 में किए थे, कौन सा है 1953, तो 1953 आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 114 क्या कह रहा है, किस मौसम में खरीफ की फसल बोई जाती है, तो बताओ भाई खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है, बरसात, जैसे खरीफ में क्या होता है धान वगैरह बोया जाता है, तो धान वगैरह तो बरसात में ही होता है, ठीक है, तो खरीफ की फसल बरसात या मानसून के मौसम में, या फिर कह लो कि जून जुलाई में बोई जाती है, तथा शीत में मतलब अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। कौन सी इसकी फसल है, खरीफ की फसल बताओ, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ये सब आप किसकी फसल है, आपकी कह सकते हो खरीफ की फसल है, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 114 हो गया ना, 114 का पहला सही हो जाएगा। 115 पे आ जाओ, बस लगभग खत्म की तरफ है। 115 कह रहा है कुडुक एक नाम है, किसका नाम है भाई, तो कुडुक एक भाषा है, ठीक है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है, तो कुडुक आप कह सकते हो कि आदिवासी आबादी झारखंड के किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है, तो झारखंड से रिलेटेड है आपका, आदिवासी जो वहाँ पर हैं वो कुडुक भाषा को बोलते हैं, ठीक है। अब कुडुक जो होता है वो एक समुदाय भी है जो झारखंड में रहता है, ठीक। चलो 115 हो गया, 5 क्वेश्चन और बचे होंगे भाई, ये देखो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है भाई, बिहार सासाराम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शेरशाह से रिलेटेड और कुछ बातें जान लेते हैं, इनका इसका जो जन्म हुआ था 1472 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बचपन का नाम जो था फरीद था, पूछा गया है बचपन का, शेरशाह के सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। 1472 में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई थी इसकी 1545 में मृत्यु हुई थी, बिहार के सासाराम में इनका मकबरा बनवाया गया। 117 पे आ जाओ भाई, मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है ना, हाँ अग्रणी, मखाना सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो मखाना सर्वाधिक आपका बिहार में, बिहार का मखाना काफ़ी फेमस है, ठीक है। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य आपका बिहार है, और बिहार में भी दरभंगा जो है वो आपका मखाना के लिए बहुत फेमस है। और जो मखाना होता है, ये आपका मखाना जो होता है वो एक जलीय उत्पाद होता है, ठीक है, जलीय उत्पाद होता है। भारत सहित विश्व के सर्वाधिक मखाना उत्पादक बिहार होता है ना, भारत को लेकर विश्व में भी सर्वाधिक जो मखाना है वो कहाँ पर होता है, बिहार में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 118 पे आ जाओ, 118 क्या कह रहा है, बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, तो बहुत फेमस है आपका मधुबनी जो पेंटिंग है, बिहार की सर्वाधिक आपका कह सकते हो कि प्रसिद्ध आपकी पेंटिंग है, ठीक है। और ये मिथिला जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, मिथिला क्षेत्र से संबंधित, इसमें रंगोली वगैरह बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, ये बस दिमाग में बैठा रहो, यही पूछा जाता है। अगला 119 क्या कह रहा है भाई, ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं भाई ग्राम पंचायत के प्रमुख, तो मुखिया, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, तो मुखिया होते हैं, है ना, ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, मुखिया का जो निर्वाचन किया जाता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वो 1959 में हुआ था, और कहाँ से हुआ, तो राजस्थान के नागौर से हुआ था, राजस्थान के नागौर से 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, और ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जंगल कानून अधिनियम 2007 से पूछा जा रहा है भाई, जंगल कानून अधिनियम अधिकार, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि यह उन्हीं लोगों को मिलेगा, मतलब जो जंगल से रिलेटेड जो आदिवासी कानून है वो किसको मिलेगा, ऐसा नहीं है हम भी जंगल में रहने लगे हमको फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों उन आदिवासी को आपका एक उनका जो फ़ायदा मिलता है कह सकते हो, आरक्षण कह लो उनको, है ना, ये किसको मिलेगा, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, बस नेक्स्ट क्या हो चुका है, 120 आपका टोटल मैंने क्वेश्चन करा ही दिया, 120 नहीं मतलब 80 क्वेश्चन टोटल कराया हूँ, 40 से स्टार्ट करके आपको 120 तक लेके गया हूँ, तो 80 क्वेश्चन मैंने टोटल कराया, जिसमें आप मैथ और रीजनिंग छोड़ दो, तो हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर मैंने आपको करा दिया। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, रीजन बस यही है, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा।